ओके एवरीवन, सो कल का समझ में आ गया था हर किसी को? कोई डाउट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट रिलेटेड? भाई एनीवन, किसी को भी कोई डाउट तो मुझसे पूछ लो भाई। तो नहीं है डाउट तो फिर मैं आगे बढ़ूं। दो हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे, हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, है ना, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी फैक्टर्स। नहीं समझ में आ गया था? एकदम क्लियर एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट नहीं? चलो सो हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। देखो दो ही जस्ट हम लोगों ने देखे, टोटल आपके पास है सेवन, है ना। हाँ सेवन फैक्टर्स है भाई इसमें। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आईएमपी पूछते ही है जनरली। तो देखो नेक्स्ट आ जाता है, डेट इज अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो कॉम्पिटिशन कैसा है भाई मार्केट में, वो भी तो देखना पड़ता है। कंपिटिटर की प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन वगैरह है। जैसे आपको पता है ना पेप्सी और कोका कोला, वो कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी तो प्राइसिंग कैसी चलती है, एकदम कट टू कट। तो पेप्सी की प्राइस वैसे ही सेम कोका कोला की प्राइस, सेम टू सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट निकालेंगे, एडवर्टीजमेंट्स में भी बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, समझे। तो कॉम्पिटिशन कैसा है मार्केट के अंदर, जब भी हम लोग प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, The extent of competition affects the product price directly because producer fixes competitive price. अपने को कैसे price fix करनी पड़ती है? Competitive price fix करनी पड़ती है. When the number of competitors are more and the competition is high, the price is fixed on the basis of the objectives like to beat the competitors or to make their entry difficult or to expel them from the market. So मतलब जो भी price decide होगा, कल हमारी बात हुई थी कि अगर कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं ना तो हम लोग अपने मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, एक मिनट मैं बता रही हूँ दीपिका इस चीज को, मैं वो फर्स्ट वाले सेंटेंस को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी तक। तो अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो सिंपली क्या होगा कि हम लोगों को जो मार्केट प्राइस चल रही होती है वही रखनी पड़ती है, और अगर कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं तो हम लोग अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। बट तो भी हमारा ध्यान तो होता ही है कि कॉम्पिटिटर ने पॉलिसी कैसी रखी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताइए कि प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऐसे कंपनीज के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई हम लोगों को टॉप वन, नंबर वन कंपनी अपने को बनना है और मार्केट शेयर उसको सबसे ज्यादा चाहिए भाई। जैसे मतलब पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल होनी चाहिए। तो ऐसे सारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी हम लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ता है जब हम लोग प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं। प्लस किसी की एंट्री डिफिकल्ट करवानी हो कोई भी कॉम्पिटिटर की, या तो किसी को निकालना हो, एक्सपेल देम फ्रॉम द मार्केट, मतलब आउट ऑफ द मार्केट वही करना हो या क्या, तो हमारा प्राइसिंग वगैरह सब कुछ कैसे होता है उसी तरीके से। जैसे आपको पता है कि पेप्सी एंड कोका कोला किसी को आने ही नहीं देती है अपने मार्केट में, मतलब उसका इतने, ये दोनों जाने इतने स्ट्रॉन्गली चलते हैं, इतने स्ट्रॉन्गली चलते हैं, मतलब अगर अगर किसी भी थर्ड कंपटीटर को आना होगा ना तो उसका प्रोडक्ट मतलब इतना अच्छा होना चाहिए इनको बीट कर सके, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ये दोनों कंपनीज को। जबकि ये दोनों कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनका पूरा मतलब पूरा मार्केट एक्वायर करके रखा हुआ है इन दोनों ने। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जनरली मैं बात कर रही हूँ। तो किसी को निकालना हो या कुछ करना हो तो भी ऐसी सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह सब अपनानी पड़ती है, प्राइजेस वैसे डिसाइड करनी पड़ती है। मैंने नहीं वो पढ़ा था किंग डिमांड का, आपको याद हो तो, जिसमें मैंने पेप्सी और कोका कोला का ही एग्जाम्पल दिया था। मैंने बताया था उसके अंदर कि अचानक से अगर कोका कोला ने प्राइस कम कर दी और तो मजबूरन पेप्सी को भी प्राइस कम करनी पड़ेगी, और प्राइस स्टिक हो जाती है एक लेवल पे, ना वो कम कर सकते हैं ना वो ज्यादा कर सकते हैं प्राइस। याद आ रहा है कुछ ऐसी चीज? मैंने वो किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन किया था ये पेप्सी और कोका कोला को लेकर ही। सोचो सोचो इसमें क्या होता है जनरली, के
जैसे कोका कोला ने प्राइस कम कर दी अपने प्रोडक्ट की, तो पेप्सी को भी क्या करना पड़ेगा, मजबूरन अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको कंपटीशन में रहना है तो करना पड़ेगा ही करेगा उसको, तो कुछ भी हो जाए। तो अभी दोनों की प्राइस कम हो गई है, और अभी कोका कोला ने क्या किया, और प्राइस कम कर दी फॉर एग्जाम्पल। तो अभी तो और प्राइस कम कर दी कोका कोला ने, अब उसको क्या हो रहा है, ऐसी प्राइस कम कर दी है जहां पर ना उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना ही लॉस हो रहा है, मतलब ब्रेक इवन आ जा रहा है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, कुछ ऐसी प्राइस चल रहा है हाल फिलहाल। कोका कोला चलेगा क्योंकि उसको डिमांड चाहिए मार्केट से, भाई सारे कस्टमर्स पेप्सी वाले भी क्या हो जाए, टर्न हो जाए मेरी कंपनी की तरफ। तो ऐसा सब करते रहते हैं ये कंपटीटर्स। फिर देखो अभी ऐसे दोनों की प्राइस ऐसी आ गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कम कर देंगे और ज्यादा प्राइस तो क्या हो जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएंगे, मतलब लॉस में हो जाएंगे, रहेगा ही नहीं कुछ भी कंपनी का नाम वगैरह। और अगर कोई भी कंपनी ने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा की तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, सामने वाली की कंपनी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो ना प्राइस बढ़ा सकते हैं ना प्राइस कम कर सकते हैं। सो काफी बार ऐसे सिचुएशंस और ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, और इवन अपने को कैसे बीट करना है किस तरीके से, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है अपने को जब हम लोग एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं। तो जो यहाँ पे बताया है कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है, थर्ड वन कॉम्पिटिशन इन मार्केट, ठीक है। फिर एक लास्ट लाइन की बोली है, इफ द प्रेस्टीज ऑफ द फर्म इज हाई इन द मार्केट इट कैन चार्ज मोर प्राइस from the consumers than the competitors. Yes, of course, brands में यही होता है, क्योंकि अपने ब्रांड का पैसा लेते हैं वो लोग, ब्रांड है वो अपनी प्राइस ज्यादा कर सकते हैं। और या तो फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ अपने लग्जेरियस कार्स में भी ये सब देखा होगा, वो अपनी प्राइस को ज्यादा कर सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में लिख दो एग्जाम्पल्स में ब्रांड्स या फिर लग्जेरियस कार्स वगैरह, उनमें ऐसा ही होता है क्योंकि प्रेस्टीज का पैसा है उनका, गुडविल का पैसा है उनका, जो भी उनकी प्राइस लगती है ना वो इस वजह से ही लगाई जाती है, ठीक है। That's it, बस और ज़्यादा कुछ बताया नहीं है उसके अंदर। फिर आ जाता है गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स, यस क्या रही है, फोर वन गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स। देखो इसमें क्या बोला है कि those business units which enjoy monopoly, जो ऐसे businesses है जो enjoy कर रहे भाई monopoly, usually charge high price, क्योंकि monopoly का मतलब ही ये होता है एक seller, कोई उसका substitute नहीं, कुछ नहीं, और simply क्या होगा market में जो price उसको charge करना चाहे वो कर सकता है, so that is the monopoly, right? पूरे market में monopoly होना। क्या बोल रहे हो दीपिका, प्रेस्टीज वाली पॉइंट क्या बोली कि जिसका नाम है भाई, जिसकी ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में फेमस है, तो वो प्राइस चार्ज हाई कर सकता है, इजीली हाई प्राइस रख सकता है वो। तो आपने ये सब ब्रांड्स में ही देखा होगा, लग्जरियस कार्स में देखा होगा, नाम से पैसा चलता है उनका, सिर्फ नाम इज इनफ एक्चुअली, उनकी प्रेस्टीज जो उनकी गुडविल जो है मार्केट में, दैट इज इनफ एक्चुअली। सो हम लोग हाई प्राइस अपनी ब्रांड, अगर मेरी ब्रांड अगर हो गई आगे चलकर भाई अनमोल दलरेजा फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, मेरी ब्रांड अगर छा गई तो मैं रेट हाई कर सकती हूँ, समझे, ऐसा चीज बोला है। मैं खुद का ही मार्केटिंग क्यों नहीं करूँ भाई, मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा रही हूँ, खुद की करने की हमेशा, मैं किसी और की बुराई करूं या कुछ करूं इससे अच्छा तो मैं खुद का ही करूं सब कुछ, ठीक है। So, जब ब्रांड बन जाएगा ना तो हम लोग जबरदस्त प्राइस, सिर्फ ब्रांड से चलेगा फिर तो, नाम से ही काफी है सब कुछ, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्लियर दीपिका, मेरे को यार तुम लोग है ना मजबूर कर देते हो मेरे को खुद की तारीफ करने में, खुद की मार्केटिंग करने में, यार वैसे मैं नहीं करती बट अभी तुम फोर्स करते हो तो क्या करूं मैं, करना पड़ता है ना, सही बात ना, बताओ सब लोग, सही बात बोल रही हूँ ना। चलो
फिर एक गवर्नमेंट लीगल कंट्रोल्स में यही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इम्पोजेस कंट्रोल ऑन सच बिजनेस यूनिट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है, तो इसमें क्या बताया है जनरली कि अगर मोनोपोली करता है कोई भी बिजनेस तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालता ही है, क्योंकि मोनोपोली नहीं कर करने दे सकता गवर्नमेंट. भाई यहाँ पे आप लोगों ने जनरली देखा है कि इंडिया में पहले भी वो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट निकाला था ताकि मोनोपोली नहीं हो सके बिजनेसेस की, क्योंकि बहुत ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स करते हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो लोग, जैसा कस्टमर वैसी प्राइस करते हैं. तो इस वजह से मोनोपोली नहीं कर सके बिजनेसेस, तो वैसे सारे रेस्ट्रिक्शंस भी इवन निकालता है, क्योंकि मोनोपोली होना मतलब प्राइस हाई. जैसे अभी इसमें भी मैं अपना एग्जांपल दूं, बताऊं कैसे कि सरदारनगर में मेरे अलावा कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता है, मेरी मोनोपोली हो गई ना, कोई है ही नहीं, और बताओ कोई जगह ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता है भाई इकोनॉमिक्स. तो मेरी मोनोपोली, मैं जो, अरे वो मुझे पता है ध्रुव, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा इमेजिन करो. ऐसे बोल रहे हो ध्रुव, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कोई और नहीं पढ़ाता है यहाँ क्या, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ आपको, ऐसा समझो कि कोई नहीं पढ़ाता है और तो मोनोपोली हो जाएगी ना, उसको हम लोग मोनोपोली बोलते हैं. और जो मैं चार्ज करना चाहूँ आराम से चार्ज कर सकती हूँ, वो चीज बोल रही हूँ. क्या बोल रहे हो? हाँ वही ना, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगेगी. वो जैसे एलन जो इंस्टीट्यूट्स है ये सब है ना, उनमें ऐसा ही होता है. क्या बोल रहे हो ध्रुव? नहीं सिमरन, हाँ एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना. विजय सर सरदानगर में पढ़ाते हैं भाई. इधर शिफ्ट हो गए. मैं किसी और सर के बारे में क्यों बात करूं यार. मुझे कोई पड़ी नहीं है, मैं क्यों किसी और सर के बारे में कुछ बोलूं या करूं, वो कोई भी हो कैसे भी हो, मैं खुद की तारीफ क्यों नहीं करूं भाई. हर किसी इंसान को करनी चाहिए अपनी तारीफ, कोई कमी थोड़ी है यार, ये तो होना ही चाहिए. बाकी मार्केटिंग से क्या सीखोगे तुम लोग, पहले खुद, मैंने तुमको बोला हुआ है लाइफ में तुम मैनेजमेंट कहीं पे अप्लाई करो नहीं करो, अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करना. अभी वो फिनेंशियल मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, सब कुछ अपनी लाइफ में तो तुम अप्लाई कर सकते हो ना इस चीज को. जरूर थोड़ी है कि भाई हम लोग किसी बिजनेस में ही या फिर हम लोग किसी कंपनी में जाके ही कर सकते सब कुछ. खुद के लाइफ में पहले, सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन तो खुद के लाइफ में ही करना चाहिए अपने को, मैं तो ऐसा जनरली मानती हूँ. बाद में देखेंगे किसी कॉर्पोरेट कंपनी को कुछ करना हो या क्या, तो खुद के घर को, खुद को सबसे पहले तो मैनेज करना सीखना चाहिए, खुद के लिए फिनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए सब कुछ. चलो सो मोनोपोली कुछ भी होगी ना, अगर कोई भी बिजनेस ऐसा करता है तो वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करते और एक्सप्लॉइट करते कस्टमर्स, जिसकी वजह से सिर्फ रिचर क्लास के लोग ही खरीद पाएंगे, पुअर क्लास तो खरीद नहीं पाएगी. तो गवर्नमेंट तो आएगा ही आएगा बीच में भाई, गवर्नमेंट तो बोलेगा ऐसे कैसे भाई, अब पब्लिक वेलफेयर करना है भाई, ऐसा हम लोगों को प्रोडक्ट देना है जो हर कोई यूज कर सके या क्या. तो गवर्नमेंट इस वजह से कुछ कंट्रोल्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता ही है मोनोपोली जब भी होती है. फिर क्या लिखा है, prices of many products are highly fluctuating, बहुत ज़्यादा fluctuating होते हैं, काफी ऐसे products हैं, and therefore the number of legal controls are imposed, उनके ऊपर क्या है, legal controls लगाए जाते हैं. बट ये चीज पहले होती थी, अभी तो बहुत अच्छा competition act लेकर आया है, ये MRTP act related थोड़ा बहुत बता रहे हैं यहाँ पर. So government imposes certain regulatory control on the product which are very essential for the life. जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स, हाँ ये मैं बोल सकती हूँ, इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे टोबैको पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है और उनका तो ज्यादा ही करेंगे प्राइस, क्यों करेंगे, क्योंकि उनको कंपनीज ज्यादा टैक्स पे करती है सरकार को और जानबूझ के गवर्नमेंट कंट्रोल्स लगाता है, ये करता है ताकि उसका कंजप्शन कम हो सके.
ठीक है, तो ये ड्रग्स हो गए, मतलब टोबैको, ये वो सब चीजें आ गई, आप लोग जनरली देखते हो। फिर पेट्रोल, पेट्रोल भी हम लोग बाहर से मंगवाते, तो इसका कंजप्शन कम से कम हो सके, इस वजह से इसके रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते रहते हैं। डीजल, फिर पेपर फॉर डेली न्यूज पेपर्स एक्सेट्रा, इन सबके जो प्राइजेस है ना वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग। आपने देखा ही होगा जनरली लॉकडाउन में, तो फेस किया ही होगा ये सब चीजें। ठीक है, तो बस इसके और ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताया है। गवर्नमेंट में एक मोनोपोली रिलेटेड बताया कि हाँ भाई लीगल कंट्रोल्स इम्पोज कर सकता है सरकार, या और फिर थोड़े बहुत जो एग्जांपल्स वगैरह दिए, तब उसमें इवन स्मोकिंग और ये सब चीजें एग्जांपल दे के बता के आ सकते हो, किसी कंपनी का आपको बताना हो या क्या। ठीक है, फिर आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो प्राइस जब भी हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी देखना पड़ता है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो सिमरन, एक सेकंड में पढ़ू। नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मींस यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हमारे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको पहले हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट वो भी, तो सबसे पहला तो ध्यान हमारा उस पर ही जाएगा, दैट इज हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए, तो हमारा प्राइसिंग वगैरह भी उस तरीके से डिसाइड होगा, तो एक ये फैक्टर भी हम लोगों को कंसिडर करके चलने का। इसके अंदर चीज हो सकती है, अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रखा कि भाई हमको मैक्सिमाइजेशन करना है प्रॉफिट का, इफ अवर, ये तो जनरल होता ही है हर एक बिजनेस का, लेकिन तो भी इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहला आ जाता है दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो जनरली थोड़ी जो प्राइजेस होते हैं जो वो हम लोगों को थोड़े हाई रखने पड़ते हैं, तो ही हम लोग प्रॉफिट्स कर सकेंगे, मार्जिन अपना बढ़ाना पड़ता है ना उस चीज के लिए, तो हम लोग ज्यादा प्रॉफिट्स कर सकेंगे। ठीक है, सो दिस ऑब्जेक्टिव इज एम्ड व्हेन मोनोपोली इज इन एक्जिस्टेंस। आ गया भाई, मोनोपोली होगी ना तो ये सब चीजें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा प्रॉफिट। एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर हैविंग इनकर्ड हैवी रिसर्च एक्सपेंसेस। सो यार इतना सारा खर्चा भी किया, सब कुछ किया, तो मार्जिन, इतना रिसर्चेस वगैरह सब कर रहे हो तो मार्जिन अपना क्या कर देते हैं हम लोग, हाई कर देते हैं, क्योंकि मोनोपोली जैसा काम है, सेम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कोई भी अवेलेबल इतना ज्यादा नहीं है, तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं जनरली हाई किए जाते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है और हमारा प्राइस भी कंपैरेटिवली हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है उस चीज के लिए और हम लोगों ने इतना ज्यादा खर्चा भी किया हुआ है रिसर्चेस वगैरह के ऊपर। सो यहाँ पे ये चीज बताइए। दूसरी बताइए कि अगर हमको डोमिनेंट पोजीशन चाहिए भाई मार्केट में, टू एक्वायर द डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट मींस नंबर वन पोजीशन अगर हमको चाहिए मार्केट में, वो चीज बताइए। एक्वायर नंबर वन डोमिनेंट पोजीशन इन मार्केट, सारे कंपटीटर्स में से सबसे नंबर वन मैं हूं, ऐसा जनरली यहाँ पे बताया कि अगर ऐसा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है तो देखो क्या लिखा है। सो इन मोस्ट द केसेस टू एक्वायर द डोमिनेंट मार्केट शेयर प्राइसेस आर केप्ट एट वेरी लो लेवल टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। सो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्राइसेस को लो करना पड़ता है तो ही आप सेल्स ज्यादा कर सकोगे, तो ही आपका मार्केट शेयर बढ़ सकेगा, राइट। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है तो ये मोनोपोली वाली सिचुएशन में, और इसमें क्या होता है हाई प्राइस। ठीक है, और अगर ये सेकेंड वाली पॉइंट होती है ना कि अगर हम लोगों को मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली,
लो प्राइस रखते हैं, जिससे क्या हो, सेल्स इंक्रीज हो सके हमारे, और इससे क्या होगा, मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाएगा। मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा समझ लो कि 90% जो कस्टमर्स हैं वो तो हमारे कंपनी का ही प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ खरीदते हैं या क्या, तो डोमिनेटिंग आ जाएगा ना भाई मार्केट में, सिर्फ इसके अलावा और इतना ज्यादा किसी का सेल्स नहीं हो रहा। तो ये चीज भी कभी ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो उस वजह से भी प्राइस हम लोगों को देखनी पड़ती है। मतलब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है अपने बिजनेस का, उसके बेसिस पे हम लोग प्राइस रखते हैं, वो भी अपने को फैक्टर देख के चलना पड़ता है। और एक लास्ट है कि टू सस्टेन इन कॉम्पिटिशन, क्या है, टू सस्टेन इन कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन में रहना है तो मुझे बताओ प्राइस क्या रखोगे, कंपिटिटर्स जैसी प्राइस रखोगे कि कंपिटिटर से कम प्राइस रखोगे, अगर कॉम्पिटिशन में रहना है। कौन बोल रहा है कंपिटिटर्स जैसी, उनके जैसी ही प्राइस रखनी पड़ेगी अगर कंपटीशन में रहना है। मैंने अभी अभी पेप्सी और कोक का एग्जांपल दिया आप लोगों को। पेप्सी ने क्या किया, मुझे एक जस्ट एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई कोको कोला ने 40 रुपए की जो उसकी कोक आती है उससे उसने 35 रुपए कर दिया, तो पेप्सी क्या करेगा, कम करेगा ज्यादा करेगा, क्योंकि अभी तो देखो कोको कोला ने क्या कर दिया है, 35 रुपए कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो पेप्सी क्या करेगा, उससे कम करेगा कि उसके जितनी ही रखेगा, मैं वो पूछ रही हूं। उसके जितनी ही रखनी पड़ेगी। कल भी मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया था आपको कि अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो हम लोगों को कंपटीटर्स जैसे ही रखनी पड़ेगी। मैं बता रही हूँ सिमरन रुक जाओ, पहले ये इसको क्लियर करने दो मेरे को, मैंने पढ़ा आपका ऊपर मैसेज क्या था। तो कंपटीटर की जो प्राइस है सेम टू सेम, आप देखो जनरली कि 40 रुपए कोको कोला मिलती है, 40 रुपए पेप्सी मिलती है, अगर कोको कोला ने 35 रुपए कर दी तो जो पेप्सी है वो 35 रुपीज ही करेगा, तो ही तो कॉम्पिटिशन होगा ना। उसने अगर कम कर दिया तो कंपटीशन कैसा होगा, मेरे को बताओ कंपटीशन का मतलब क्या, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, एकदम इक्वल लेवल पे है दोनों, तो कस्टमर कंफ्यूज होगा ना कि क्या लूंगा कैसे लूंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ना कि दो कंपनीज कंपीट कर रही है एक दूसरे के साथ। अगर वो कम कर देगा तो सीधी सी बात है कि उसकी सेल्स ज्यादा ही होने वाली है। अभी भी नहीं, ऐसी साइकोलॉजी तुम्हारी जो है ना, बिजनेस माइंड हमेशा क्या चलता है कि हमेशा जो कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग है सेम टू सेम, 35.5 ज्यादा भी नहीं, 0.5 ज्यादा भी नहीं, 0.1 ज्यादा भी नहीं, भाई मैं ऐसा बोलू 0.01 भी ज्यादा नहीं, जो उसकी प्राइस है सेम टू सेम प्राइस, तो ही तो कॉम्पिटिशन पैदा होगा। अब वो फिर अलग बात हो जाती है, लेकिन हम लोग मिहिर, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट टू कट कॉम्पिटिशन। अगर भाई कॉम्पिटिशन में रहना है, मैंने पेप्सी और कोको कोला का आपको एग्जाम्पल वही तो बताया कि अचानक से कोको कोला ने प्राइस कम कर दी तो डिमांड कोको कोला की ज्यादा हो गई, राइट, मार्केट में। अब पेप्सी को अगर कॉम्पिटिशन में सस्टेन रहना है, अगर मेंटेन रहना है, तो उसको भी अपनी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, सेम कोको कोला जैसी ही रखनी पड़ेगी, समझे, जितनी कोको कोला ने अभी रखी प्राइस वैसे ही सेम टू सेम, ये चीज होती है। और फिर बात का अलग इशू है कि बात का फिर दोनों फिर से कंपटीशन में आ गए, भाई उसकी भी 35 उसकी भी 35, तो ये कट थ्रोट कंपटीशन तभी चलता है बिजनेस के अंदर। अगर आपके दो दुकानें हैं, ठीक है, अब ये दुकान पे इतना रुपीस का मिल रहा है, ये दुकान पे इतने रुपीस का ही मिल रहा है सेम प्रोडक्ट, अचानक से पहले वाले दुकान ने क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया, कुछ भी कोई स्कीम निकाल दी, तो बाजू वाले दुकान को भी करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों कॉम्पिटिशन में है, नहीं करेगा तो उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा ही होगी,
सीधी सी बात है, जिसने प्राइस कम किया ऐसा ही होता है कंपटीशन में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि when competitors are more and when competition is high, the business firms are ready to fix prices lower than or at the par with that of his competitors. भले यहाँ पे लिखा हुआ है lower than that of the competitors, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। जो कॉम्पिटिटर ने प्राइस फिक्स किए वैसा का वैसा, या अगर कॉम्पिटिटर को गिराना है नीचे तो वो पेप्सी 30 रुपए कर देगा सीधा। भाई 35 की जगह तूने 35 किया, चल मैं 30 रुपए करता हूँ, पूरा मार्केट शेयर मेरे पास, सारे कस्टमर मेरे पास। तो मजबूरन कोका कोला को भी क्या करना पड़ेगा, 30 रुपए ले आना पड़ेगा अगर फिर उसको कॉम्पिटिशन में रहना। ऐसी चीज चलती है, एक गेम चलती है मार्केट के अंदर, समझे। सो अगर कॉम्पिटिशन में सस्टेन रहना है तो दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई, या तो कॉम्पिटिटर जैसा ही प्राइस रखो, या तो बिल्कुल ही कम कर दो, तो कॉम्पिटिटर को भी गिरा दो नीचे, उसको भी। मैं अगर प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो तू भी प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तू भी लॉस ही कमा। ऐसी गेम चलती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी सिमरन आप क्या बोल रहे थे फिफ्थ नंबर वाली पॉइंट में, ये सेकंड वाली के, टू एक्वायर द डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। डोमिनेटिंग होना मतलब नंबर वन पोजीशन एक्वायर अगर आपको करना है मार्केट के अंदर, कि भाई कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदे या क्या, तो हम लोगों को कंपैरेटिवली जो प्राइस रखनी पड़ती है, क्योंकि डोमिनेटिंग का मतलब यही होता है कि नंबर वन और सेल्स बढ़ानी है अपने को मार्केट के अंदर। तो सेल्स बढ़ानी है तो प्राइस कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा हो सेल्स भी ज्यादा हो कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर सेल्स ज्यादा करनी है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, अगर सेल्स कम करनी है प्रॉफिट ज्यादा करना है तो प्राइस को हाई करना। सिचुएशन ऐसी चलती है मार्केट के अंदर। तो ये समझ के हम लोगों को ये सब चीजों को, ये सब बातों को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, कंसीडर करना है, और उसके बाद जाके किसी कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। एक चीज से डिसाइड नहीं होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट देख ली बस खत्म बात। ये सारी चीजों को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है। अब इसके बाद जो चीज आ रही है, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन। माहौल कैसा चल रहा है, एनवायरमेंट कैसा चल रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे चल रही है हमारे कंट्री की, उस चीज को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है, समझे। सो इकोनॉमिक कंडीशन मैं आ जाती हूँ। मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है, रिसेशन है, क्या है मार्केट, कैसा चल रहा है। सो आज देखो, आज जो भी अपना नया प्रोडक्ट अगर कोई भी लेकर आ रहा होगा और अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहा होगा, तो अभी पता है कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो रिसेशन में चल रहा है। इतना ज्यादा मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है, राइट। तो कंपैरेटिवली जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जनरली प्राइसेस हाई होते हैं। मतलब इवन कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है उसको भी हम लोग को देखना पड़ता है। सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डिसाइड करनी पड़ती है। और सेवेंथ नंबर जो है हमारे पास बाइंग बिहेवियर, वो तो बहुत ज्यादा धमाकेदार वाला पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा। तो वो मैं समझाऊंगी आपको, पहले इसको मैं क्लियर करूं। एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज गुड, प्राइस कैन बी फिक्स्ड एट हायर। आ गया इन्फ्लेशन, अगर कंट्री की कंडीशन अच्छी चल रही है तो प्राइस क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा सिंपली। एंड इफ देयर इज अ रिसेशन, प्रोडक्ट प्राइसेस रिड्यूस, प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यही होता है जनरली, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक सेकेंड, कर दिया मैंने दिव्या, मेरा एक्चुअली वहां पे ध्यान नहीं था, मेरा ये चैट बॉक्स ओपन था ना, तो ध्यान नहीं था मेरा उस पर, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आई कि अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। एंड द लास्ट वन, दैट इज द बाइंग बिहेवियर।
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इधर बाइंग बिहेवियर के अंदर, कि खरीदने का जो कस्टमर है हमारा वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है परचेजिंग करने का, वो कौन है, कौन से एरिया में रहता है, कौन सी लोकैलिटी है उसकी, कौन बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशनल है, कोई एम्प्लॉयड है, क्या है उसकी साइकोलॉजी कैसी है, मतलब हर एक चीज को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है रिलेटेड टू द बाइंग बिहेवियर, कस्टमर का खरीदने का बिहेवियर कैसा है वो देखा जाता है। जैसे सरदानगर अगर अपने देखते हैं तो यहाँ पे लोग आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ पे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, हाँ भले सस्ता हो ना चलेगा, बार्गेनिंग करने वाले आपको लोग मिलेंगे, उनका बिहेवियर आपको ऐसा दिखेगा, राइट। लेकिन आप अगर SGI वे साइड चले जाओ तो वहां पे बाइंग बिहेवियर एकदम बदल जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा सब चीजें हम लोगों को, भाई एरिया कौन सी है, फिर लोकैलिटी कौन सी है, सोशल कस्टम्स कैसे है लोगों के यहाँ एरिया में, फिर कैसे लोग बातचीत करते हैं या क्या, वो चीज देखी जाएगी, प्लस उनका बिजनेस है कि प्रोफेशन है, या पर्सनली उनका किस तरीके से काम है, क्या है ऑक्यूपेशन मैं बोल सकती हूँ, वो चीज देखा जाता है, मतलब एवरीथिंग। यहाँ पे क्या होता है जनरली कि जो भी कंपनी होती है ना, कंपनी के टारगेट कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, टारगेट मार्केट होता है उसका, कि भाई हम लोगों को, ये क्लास वाले लोगों को ही, पर्टिकुलर ऐसे टाइप ऑफ कस्टमर्स को ही ये प्रोडक्ट को टारगेट करना है, राइट। सो अगर कोई भी इधर महंगा कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है या क्या आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत महंगा है, दूसरा तो हम लोगों को इससे सस्ता पड़ रहा है या क्या, फिर वो महंगा वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदते वो लोग, क्योंकि यहाँ की साइकोलॉजी वैसी है, यहाँ का बाइंग बिहेवियर ऐसा है, समझे। तो यहाँ पे बाइंग बिहेवियर आप कॉलेज में चलकर डिटेल में पढ़ोगे, या आप MBA करोगे तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि मैं अभी इतना डिटेल नहीं जा सकती क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है उतना डिटेल के अंदर, नहीं तो आपको सिर्फ हेडिंग्स दे दिए कि भाई बाइंग बिहेवियर किस किस तरीकों से देखा जाता है। सो मैं पढ़ रही हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्ट प्राइस डिटरमिनेशन, फैक्टर्स दैट डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड्स कंज्यूमर हैबिट्स, सोशल कल्चरल एनवायरमेंट कैसा है जिस एरिया में आप सेल करोगे, जैसे अभी यहाँ पे मेरे को कुछ भी बेचना होगा तो क्या होगा, लोग कुर्तियां कैसे खरीदेंगे, हाँ भाई 400-500 की, ज्यादा से ज्यादा आप 800 तक ले जाते हो, ठीक है, प्राइस उसका वैसे होता है जनरली, और वैसे टाइप की कुर्तियां यहाँ पे सेल होती है। लेकिन आप CG रोड चले जाओगे तो वहां पे कस्टमर हैबिट्स, वहां का जो एनवायरमेंट है वो अलग है, तो वहां पे लोग 1500 वाली होगी, 2000 वाली होगी, 2500 वाली होगी, तो वहां पे वो प्रेफर करेंगे खरीदने के लिए, तो कस्टमर डिफरेंस है ना, यहाँ पे वो नहीं खरीदेंगे, मैं जैसे ही बोलूंगा ना ये 2000 की कुर्ती है, छोड़ देंगे, एक सेकंड देखेंगे भी नहीं, ना बोलेंगे कुछ भी, हाँ ठीक है जो भी है रख दो साइड में रख दो, भाई ऐसे बिहेवियर अपने को देखने को मिलता है ये वाले लोकैलिटी में हम जहां रहते हैं, राइट। सो कस्टमर हैबिट्स हो, कस्टमर सोशल एनवायरनमेंट हो आसपास का, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, इंडिविजुअल पर्सनल इकोनॉमिक, मतलब इवन यहाँ पे कैसे क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिचर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, सो वो सब चीजें हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ती है, समझे। ड्यू टू दिस फैक्टर्स द एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट मे चेंज and ultimately product do not get a desired or expected response from the customers. So यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ ना, यहाँ पे मैं कोई भी ब्रांड ले आऊंगी, आपको जनरली पता है अगर मैं सरदानगर में मैकडोनल्ड खोलूं तो चलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। हम लोग मोटेरा जाएंगे, हम लोग CG रोड जाएंगे, हम लोग SGI में जाएंगे, वहां जाके खाएंगे, लेकिन सरदानगर में मैकडोनल्ड नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, नहीं बिल्कुल नहीं, लॉस में चला जाएगा। जय भवानी कौन सा चला बताओ मेरे को, दिव्या TGV खुला कौन सा चला, जय फालूदा के ऑप्शन में कितने आइसक्रीम्स वाले आ गए, बंद हो गए सब, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ का बाइंग बिहेवियर, यहाँ के लोग इतना सब कुछ प्रेफर करेंगे नहीं, वो जाएंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो जाएंगे, नहीं चलेगा डोमिनोज वोमिनोज कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे,
मैं कोई भी पर्टिकुलर, मैं कोई ब्रांड, मैं पीटर इंग्लैंड का शोरूम खोलूंगी ना सरदानगर में, मैं लॉस में चली जाऊंगी। सिंपल सी लॉजिक है ये, क्योंकि यहाँ पे वैसा बिहेवियर, वहां ऐसी लोकेलिटी नहीं है। यहाँ पे लोगों का जो साइकोलॉजी है, उनका जो फिजिकल बिहेवियर है, वो वैसा नहीं है, समझे? वो कुबेर नगर के ही जैसे बिहेव करेंगे सब कुछ। कुबेर नगर में जैसे आपको मिलता है ना, ब्रांड जाके आप बार्गेनिंग तो नहीं करवाएंगे ना। हम लोग कोई भी, हम लोग शोरूम में चले जाएंगे, मैं बाटा का शोरूम खोल दूं यहाँ पे फुटवेयर का। अभी सरदानगर में फुटवेयर के लिए जनरली एक या दो शॉप्स ज्यादा से ज्यादा।